दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ने बनाए 5 रिकॉर्ड। बीते दिनों हुई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला। भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। यही नहीं, इस सीरीज में रोहित शर्मा का बतौर ओपनर जलवा रहा। उन्होंने 3 मैचों की 4 पारियों में 500 से ज्यादा रन बनाए। इसके साथ ही उन्हें मैन ऑफ द मैच सीरीज चुना गया। रोहित शर्मा ने इसके साथ ही टेस्ट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पहला रिकॉर्ड रोहित शर्मा का घरेलू सीरीज में औसत बेहतरीन रहा। उन्होंने 99 के औसत से रन बनाते हुए डॉन ब्रेडमैन का घरेलू टेस्ट में 98 के औसत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दूसरा रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद रोहित शर्मा वह बल्लेबाज है जिनके नाम साल 2019 में सबसे ज्यादा छक्के हैं। रोहित शर्मा ने बेन स्टोक्स को 15 छक्कों से पीछे छोड़ दिया। तीसरा रिकॉर्ड रोहित शर्मा अब द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित से पहले यह रिकॉर्ड पहले विंडीज के सिमरन हेटमायर के नाम था, जिन्होंने 2018-19 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 15 छक्के लगाए थे। चौथा रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम एक टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड भी हो गया है। अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम टेस्ट में रोहित ने 13 छक्के लगाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के वसीम अकरम के नाम था, जिन्होंने 12 छक्के लगाए थे। पांचवा रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम बतौर ओपनर पहले ही टेस्ट मैच के 2 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। विशाखापट्टनम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित ने पहली बार 176 और दूसरी बारी में 127 रन बनाए। रोहित शर्मा के इन महा रिकॉर्ड्स के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।